अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई और दोस्तों, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास मैट्रिक के मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। सही है, क्लास मैट्रिक के मैथ का एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है भाई मैथ। सही, और ये जो बुक है ये सिन बोर्ड की बुक है। सही, और इसका चैप्टर नंबर तो याद नहीं है, लेकिन बस क्लास मैट्रिक का एक चैप्टर है जो हमने डिस्कस करना है। सही, तो आज इस वीडियो में हम ज़रा यही जानेंगे कि भाई इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है, कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस जानेंगे। सही, जो कि हमने इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, और उनके हवाले से कुछ क्वेश्चंस भी हैं एक दो, वो भी सॉल्व करेंगे। सही, तो चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को देखते हैं कि भाई जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हम पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं। सही, ये पूरा जो नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखें, तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि भाई इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसकी डेफिनेशन इस कुछ इस तरीके से है कि भाई टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे, टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे सो दैट द यूजफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो भाई इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का मतलब क्या है कि भाई वो सारी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे मैनेज करके, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऐसे मैनेज करके पेश करना कि उससे कोई फायदेमंद नतीजे हासिल हो सके। यूजफुल माने मुफीद, और कंक्लूजन नतीजे। सही है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मान लो कि कोई टीचर किसी स्कूल में जॉब करता है, कोई टीचिंग करता है, और वो उस स्कूल में मैथ का टीचर है, मान लो मैथ का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, किसी भी चीज़ का टीचर है, और करीब वो क्लास फाइव से मैट्रिक क्लास तक को पढ़ा। सही है, उसने एक दिन मान लो फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसने एग्ज़ाम्स लिए और उन पेपर्स को चेक किया। अब उस स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या किया कि भाई उससे रिजल्ट्स मांगे कि भाई मुझे इन सब के मैथ के पेपर के रिजल्ट्स चाहिए। अब अगर तो मिसाल के तौर पर क्लास फाइव में 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास सिक्स में 15 स्टूडेंट्स हैं, सही है, क्लास सेवन में भी मान लो 30 ही स्टूडेंट्स हैं, सही है, सेवन तक ही रखते हैं, बहुत आगे चला जाएगा, सही, तीन क्लासों का हमने कर लिया। अब 20, 15, 30 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। अब मान लो इसमें कुछ बच्चों के अगर मैं नाम ले लूँ, खुद से अगर नाम ले लें कि भाई एक बच्चे का नाम है अमजद, अब वो टीचर उस प्रिंसिपल को इस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं कि भाई अमजद है क्लास फोर से, यानी उसको क्लास भी नहीं बता रहा भाई, एक बच्चा है अमजद जिसके मार्क्स हैं भाई 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो मान लो उसके 80 मार्क्स हैं, एक है ओवेस भाई उसके 70 मार्क्स हैं, एक है भाई अरशद इसके 90 मार्क्स हैं। सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बता दिए लेकिन कोई मैनेज करके नहीं बताया। जैसे मान लो अगर इसमें क्लास भी बता दी इसने कि भाई ये वाला क्लास फोर से, ये क्लास
सॉरी फोर को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, ये क्लास फाइव से, ये क्लास सिक्स से और ये क्लास सेवन से, सही। और ऐसे तीन चार बच्चों के अगर मैं और नाम लिखूं तो जैसे मान लो एक हमने बच्चा लिख दिया कि भाई अब्दुल्ला है, जो कि है भाई क्लास सेवन से, क्लास सिक्स से मान लो, चलो इसके 50 नंबर है, सही। एक और बच्चा है फलाना फलाना नाम है, जो क्लास फाइव से है, उसके 40 नंबर है। फलाना फलाना बच्चा है जो कि सिक्स सेवन क्लास से, उसके मान लो 60 नंबर है। अब ऐसे अगर वो रिजल्ट ऐसे पूरा एक पर्चे पर उठा के लिख दे, क्लास आगे पीछे और बिल्कुल एक मैनेज करके नहीं दिया हुआ, और ये ऐसे उठाकर उस स्कूल के प्रिंसिपल को दे दे, तो स्कूल का प्रिंसिपल क्या करेगा भाई? स्कूल का प्रिंसिपल क्या करेगा? उसको स्कूल से ही निकाल देगा, बोलेगा कि भाई तुम्हें तो तरीका ही नहीं है, रिजल्ट को इस तरीके से देता है। तो अगर हम इसको पूरा मैनेज करके दें कि भाई फाइव क्लास के अलग हम बनाएं, सिक्स क्लास के हम अलग बनाएं, सेवन क्लास के हम अलग बनाएं, सही है, और उससे हमें फिर फायदेमंद नतायज हासिल होंगे, सही, बिल्कुल मुफीद नतायज हासिल होंगे कि भाई हम एक ठीक तरीके से रिजल्ट बना सकेंगे, सही है। अब इसमें से कैसे रिजल्ट बनाए, इसमें से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, सही है, लेकिन अगर बिल्कुल मैनेज करके दें तो उसमें से एक यूजफुल कंक्लूजन निकल सकते हैं, सही है। तो इसी को हम कहते हैं भाई इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, सही है। अब इसमें से कुछ बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, जैसे कि एक बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भाई बेसिक डेफिनेशंस की, पहली जो डेफिनेशन हमारे पास होती है वो यहाँ पे हमारे पास होती है भाई डेटा की। अब डेटा की जो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेटा की डेफिनेशन होगी हमारे पास द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ, इसको जरा मिटा देते हैं, द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म रिगार्डिंग टू द कैरेक्टर, रिगार्डिंग टू द कैरेक्टर इज कॉल्ड, रिगार्डिंग टू द कैरेक्टर इज कॉल्ड डेटा, सही। इसके डेटा को भी अगर हम एक एग्जांपल से लेके समझे तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगी कि भाई जैसे मान लो हम एक करेक्टर डिस्कस कर लेते, एक करेक्टर मैंने डिस्कस कर ली, मैंने करेक्टर डिस्कस कर ली भाई हाइट, हाइट, सही। अब इस हाइट के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और वो इंफॉर्मेशन दो तरीके की होगी, या तो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी, सही। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में गिवन हो, जैसे 1, 2, 3, 4 नंबर्स में गिवन हो, सही। और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं गिवन होती, क्वांटिटेटिव के लिए, क्वांटिटेटिव हमारे पास होता है न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यानी नंबर्स में होती है, और क्वालिटेटिव हमारे पास होता है भाई नॉन न्यूमेरिकल, इसको भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी हाइट जो होता है वो हमारे पास डिस्कस की जाती है क्वांटिटेटिव में, जैसे अगर मैंने बोल रहा हूँ कि भाई एक बंदा है जिसकी हाइट है हमारे पास, जिसकी हाइट है हमारे पास 6 फुट, सही है? तो ये 6 फुट
जो है ये हमारे पास इसका डेटा कहला है, सही, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और रिगार्डिंग टू द करेक्टर का मतलब क्या है कि भाई उस करेक्टर से भी मिल रहा है, सही है। करेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइट, सही, और करेक्टर से के साथ मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डेटा। तो डेटा क्या हो, कितने टाइप का हो सकता है, एक तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, एक क्वालिटेटिव भी हो सकता है, सही है। अच्छा भाई, अब एक दूसरी चीज हमारे पास होती है, डेटा सेट के नाम से हमारे पास एक दूसरी चीज है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास द डेटा कलेक्शन फॉर अ पार्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड डेटा सेट, सही। कि भाई हम एक मखसूस करेक्टर का, एक मखसूस खासियत की करेक्टर का अगर हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करें अलग अलग बंदों का, तो उसको हम कहते हैं भाई ये एक डेटा सेट है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल से अगर हम इसको समझें, तो इसकी एग्जांपल को अगर मैं इस चार्ट में समझाऊं तो कुछ इस तरीके से होगी कि भाई जैसे मान लो भाई हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली लाइन में स्टूडेंट्स है और नीचे वाली लाइन में हम कर देते हैं भाई, नीचे वाली लाइन में हम इसका वेट कर लेते हैं, वेट भी क्या है भाई, एक करेक्टर। अब मैं चार पांच स्टूडेंट्स के नाम लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, जैसे मान लो एक मैंने लिख दिया भाई हैदर, एक मैंने लिख दिया बिलाल, एक मैंने लिख दिया जुल्फी, या नवीद लिख दो यहाँ पे, जुल्फी, जुल्फीकार, और एक है हमारे पास नवीद, सही है, चार स्टूडेंट्स है मेरे पास। यहाँ पे अगर हम इनके वेट की बात करें तो मान लो इसका वेट है 60 किलो, 60 kg, इसका वेट है मान लो 70 kg, इसका भी मान लो तकरीबन 60 के अराउंड 62 मान लो, चलो इसका मान लो भाई 80 kg। तो ये जो हमारे पास है 60 kg, 70 kg, 62, 80 kg, ये हमारे पास है भाई ये डेटा। अब हमने इस डेटा को कलेक्ट किया है एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए, किसके लिए भाई, एक पर्टिकुलर करेक्टर लिया हमने, वो पर्टिकुलर करेक्टर क्या है हमारे पास, वेट है, से उसके लिए हमने ये सारा डेटा कलेक्ट किया। अब ये जो सारा डेटा कलेक्ट किया, इस डेटा कलेक्ट करने को हम पूरा का पूरा क्या नाम देते हैं भाई, डेटा सेट, सही। तो ये हमारे पास कहलाता है भाई डेटा सेट। इसके बाद अगली जो चीज है हमारे पास, थर्ड जो चीज है, तीसरी, वो है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल, अच्छा भाई, तो वेरिएबल क्या होता है कि भाई एनी करेक्टर एनी करेक्टर हुज वैल्यूज आर एनी करेक्टर हुज वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल, सही भाई। मान लो कोई भी करेक्टर, वेरिएबल का मतलब तो ऐसे भी लोगों को पता है कि भाई वो चीज जो चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे भी इसके यही मीनिंग है, चेंज होने के, सही है।
और ये वेरिएबल और डेटा एक ही चीज है, सही है। लेकिन वेरिएबल यहाँ पे ये डेटा है ये चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको वेरिएबल का नाम दे दे। तो भाई कोई सा भी करेक्टर, जैसे अगर हम अपने ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही देखें, तो जैसे कोई सा भी करेक्टर मान लो वेट करेक्टर हमारे पास, सही है, इसकी वैल्यूज डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक इंडिविजुअल यानी इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, हर एक इंडिविजुअल के लिए अगर अलग अलग वैल्यू आ रही हो उस करेक्टर की, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये इसका क्या है, भाई ये क्या कहलाता है हमारे पास कुल मिला के, वेरिएबल कहलाता है, सही है। कुल मिला के क्या कहलाता है हमारे पास, ये वेरिएबल कहलाता है, सही है। तो हर कोई भी करेक्टर और उसकी वैल्यूज हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो, हर एक चीज के लिए अलग अलग हो, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास वेरिएबल कहलाता है, सही। अच्छा भाई, तीन डेफिनेशन हो गई, चौथी जो हमारे पास डेफिनेशन है, चौथी डेफिनेशन अगर हमारे पास देखी जाए तो वो है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अच्छा भाई, तो पॉपुलेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके की डेफिनेशन आएगी कि द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप हूज characters are to be studied is called population. अच्छा भाई, तो population हमारे पास क्या है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझे तो हम क्या कह लिखते हैं भाई कि जो जितने भी सारे इंडिविजुअल हैं उसको अगर हम एक ग्रुप में जमा करें, सही है, और उनके करेक्टर्स को स्टडी करें, सही है, वो इंडिविजुअल जिनके करेक्टर्स को स्टडी किया जा रहा है उनको अगर हम एक ग्रुप में जमा करें तो उसको हम, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं भाई कि ये एक पॉपुलेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ स्कूल, भाई स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल की क्या है भाई, पॉपुलेशन है, सही है। तो पॉपुलेशन समझ आ गई होगी कि भाई वो इंडिविजुअल जिनके करेक्टर स्टडी किए जा रहे हैं तो उनको एक ग्रुप में अगर हम जमा कर दें तो उस वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन ऑफ अ स्कूल, सही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्कूल की पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, सही है। अच्छा भाई, इसके साथ एक और चीज, आखिरी जो चीज है हमारे पास वो है, एक और चीज जो है हमारे पास वो है हमारे पास सैंपल। ये सैंपल जो है बिल्कुल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं कि इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, सही है, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट किसको कहते हैं कि भाई किसी पार्ट को, किसी टुकड़े को, हिस्से को, सही है। तो जो सैंपल होता है वो हमारे पास पॉपुलेशन का टुकड़ा होता है, पॉपुलेशन का हिस्सा होता है। जैसे अगर इसी एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो अगर मैं लिख देता हूं भाई एग्जांपल में स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 आर सैंपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्कूल,
भाई स्कूल की पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सारे जितने भी KG 1 2 3 जितने भी क्लासेस के स्टूडेंट है वो सारे के सारे क्या है भाई, स्कूल की पॉपुलेशन। अब मैंने उसमें से दो क्लासेस को का नाम दिया, एक क्लास का नाम है क्लास 9 और एक क्लास 10, सही है। तो ये जो क्लास 9 और क्लास 10 है ये तो इसी स्कूल के हिस्से है ना, सही है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भाई ये इसके सैंपल है, इस स्कूल के पॉपुलेशन के सैंपल है, सही है। तो पॉपुलेशन पूरे एक बड़ा सा ग्रुप होता है और उसके जो हिस्से होते हैं उसको स्टडी करना वो कहलाता है भाई हमारे पास सैंपल, सही। इसके बाद हम वेरिएबल जो हमारे पास ये हमने डेफिनेशन लिखी है इसके हम कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो अच्छा भाई, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिस्कस करने हमने कि भाई ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है वेरिएबल की, इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, सही है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल की दो टाइप्स होते हैं, यहां लिख देते हैं भाई वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स, वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स, वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक, सही। वेरिएबल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किसकी बुनियाद पे, कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे, सही। एक टाइप है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसको भी मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, सही है। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल भाई, वेरिएबल की वो कैरेक्टरिस्टिक है विच is expressed numerically, is called quantitative variable, सही है। अभी हमने पीछे भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिस्कस किया, तो यहाँ पर भी आया कि भाई क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं भाई, कि जिसको हम नंबर्स में शो करें, न्यूमेरिकली शो करें, सही। जैसे अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो अमूमन हम लोग अपनी उम्र किस में बताते हैं, नंबर्स में ही बताते हैं भाई, 12 साल के, 13 साल के, 20 साल के, 50 साल के, सही। हम अपनी हाइट किस में बताते हैं, नंबर्स में ही बताते हैं, न्यूमेरिकली बताते हैं, सही। हम जब लंबाई नापते हैं तो किस में नापते हैं भाई, नंबर्स में ही नापते हैं, सही। बस सबकी यूनिट अलग अलग होती है, सही। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो टाइप की होती है कि भाई क्वांटिटेटिव वेरिएबल R of 2 types, कितने टाइप के होते भाई हमारे पास, दो टाइप के होते। एक टाइप कहलाते हैं हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल और एक टाइप कहलाते हैं हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल, सही है। मैं जरा इसको मिटा देता हूँ, एक हेडिंग डालेंगे भाई डिस्क्रीट वेरिएबल की, डिस्क्रीट वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि भाई द वेरिएबल व्हिच
values values are the variable whose values are the variable whose values sorry the variable whose values arise through counting. अच्छा इट कंसिस्ट ऑफ ओनली होल नंबर्स भाई. डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? वो वेरिएबल जो कि काउंटिंग से हमें मिले, किसी चीज को गिनती करने से, सही है. और इसकी दूसरी बात क्या है कि भाई इसमें सिर्फ होल नंबर्स हमें मिलेंगे, सही है. यानी जीरो से लेकर होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, सही. हम जब किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो इसी तरीके से गिनते हैं ना, जैसे जीरो चीज जीरो है कोई चीज़, या कोई चीज़ दो है, तीन है, चार है, पाँच है, सही है. जैसे अगर मैं बुक्स की मिसाल लें तो हम बुक्स को ये तो नहीं कहेंगे कि ना कि भाई ढाई किताबें, तीन कि साढ़े तीन किताबें, सही है, 3.5 है, 3/2 किताब है, सही. हम क्या कहेंगे, या तो तीन किताब है, या दो किताब है, या एक किताब है, या अगर नहीं है तो जीरो किताब है, सही. तो जब काउंटिंग से हमें कोई चीज़ मिले तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, सही. तो जैसे मान लो मैं अगर इसकी एग्जांपल लिख लूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली के, भाई किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं उसको हम गिन के ही नापेंगे, सही है. हम ये थोड़ी कह सकते साढ़े पांच बच्चे हैं इस बंदे के, क्या कहेंगे भाई, छह बच्चे हैं या तो पांच बच्चे हैं, ना साढ़े पांच होते ना साढ़े चार होते, सही है. किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो भी हम होल नंबर में बताते, ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं बताते, सही है. अच्छा, इसके जो दूसरी टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, वो है हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल. कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, द वेरिएबल हूज वैल्यू arise from arise by measurement. भाई वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू कहां से है भाई, मेजरमेंट करने से, मेजरमेंट किसी चीज की नाप तोल करने से आए तो उसको हम कहते हैं कि भाई कंटिन्यूस वेरिएबल. अच्छा, इसमें होल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं. जैसे इसके हम लिख देंगे It consists of whole numbers and fractions. सही, whole number भी हो सकते हैं, fractions भी हो सकते हैं, सही. जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी example लिखें, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कभी कभी हमारे पास कोई एक्यूरेट लेंथ आ जैसे 8 मीटर, 10 मीटर, कभी कभी पॉइंट्स में भी आती है, सही. जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस कहलाते हैं, 8.5, 9.5, 7/2 meter, सही है. तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में होते हैं. जैसे वेट हो गया, हमारे पास वेट भी हमारे पास फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट की जा सकती है, मेजर की जा सकती है, सॉरी, और होल नंबर्स में भी मेजर की जा सकती है, सही है. तो ये थी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टाइप्स. इसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल की दूसरी टाइप, वेरिएबल की दो टाइप्स है, एक क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव, यहीं पे लिख देते हैं, सही है. क्वांटिटेटिव का हमारे पास डिस्कशन हो गया, अब आ गया हमारे पास क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव वेरिएबल It is
दैट वेरिएबल हूज वैल्यूज whose values are non-numerical. भाई ये वो वेरिएबल है जिसके वैल्यूज हमारे पास क्या होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जांपल को मैं यहाँ करके लिख देता हूँ, इसकी एग्जांपल में अगर हम कलर को लें तो कलर की जो वैल्यू होती है तो वो तो या ग्रीन होता है या रेड होता है या पिंक, कुछ भी कलर होता है, लेकिन हम इसको नंबर्स में थोड़ी शो करते हैं, सही है। तो जब नंबर्स में नहीं शो होती, जैसे किसी चीज़ की क्वालिटी है, कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, सही है, तो ये इसके नंबर्स नहीं बताते। कोई चीज़ की इंटेलिजेंस होती है हमारे पास, सही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल में आती है, सही है। तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी वो आज हमने डिस्कस कर ली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसकी इन डेफिनेशंस को याद करें, एमसीक्यूज के हवाले से भी काम आ सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके कुछ सवाल कुछ सवालात हैं उनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, सही है। अच्छा भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल के हवाले से जो आपकी बुक में मौजूद है। दो ट्रू फॉल्स मौजूद थे और एक क्वेश्चन मौजूद था जो कि मैंने लिखा है कि भाई इसमें कि भाई क्लासीफाई करो कि इसमें से अल्लाह का भला करे कौन सा डिस्क्रीट वेरिएबल है, कौन सा कंटिन्यूस वेरिएबल है, सही है। तो भाई अभी हमने देखा कि डिस्क्रीट वेरिएबल को क्या होता है और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा था, जो हम काउंट करके मेजर करते हैं, सही, काउंट करके जो हमारे पास वैल्यू आती थी, जो डेटा आता था वो काउंटिंग करके वो हमारे पास कहलाता था डिस्क्रीट वैल्यू, सही, काउंटिंग करके जो हमारे पास डेटा आता था वो क्या कहलाता था, डिस्क्रीट। और मेजरमेंट करके जो हमारे पास डेटा आया वो हमारे पास कहलाता है भाई कंटिन्यूस, सही है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें से देखेंगे कि भाई डिस्क्रीट कौन सा है और कंटिन्यूस कौन सा है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सही है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, भाई एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, तो उनको हम क्या करेंगे, गिनेंगे या नापेंगे, सही है। तो जाहिर सी बात है हम उसको गिन सकते हैं, सही है। तो ये नंबर से याद रखना कि भाई जब भी नंबर आ जाए ना कि भाई कितने नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, डिस्क्रीट है। अब एक क्लास में कितने स्टूडेंट है इसको हम गिनेंगे, लाजमी सी बात है, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, डिस्क्रीट वेरिएबल आ गई। पहला वाला क्या है भाई, डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरे वाले को अगर देखें तो द नंबर ऑफ टेल्स इन अ टॉसिंग टू कॉइन्स, भाई दो कॉइन्स है जिससे टॉस किए जा रहे हैं, तो उसमें कितने टेल मौजूद है, तो उसको गिनेंगे ना, सही है, कि कितने टेल्स मौजूद है। दो ही टेल्स होते, एक कॉइन पे एक टेल, दूसरे कॉइन पे दूसरा, सही है। तो ये भी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल, क्यों भाई डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि काउंटिंग से आ रहा है। तीसरा है द नंबर ऑफ फोर्स इन रोलिंग थ्री डाइस, डाइस है हमारे पास जो चक्की को होता है जिसपे वो सफेद सा भी होता है, हर कलर का होता है, जिसपे छह डब्बे भी बने होते हैं, चार भी बने होते हैं, सही, डाइस जैसा होता है, बोले तीन डाइस है उसमें जो फोर्स वाला नंबर होता है इस तरीके से चार बना होता है, ये कितने, सही। अब वो भी गिनेंगे भाई, तीन डाइस है, तीन में ये चार कितने होते हैं, गिनेंगे ना, सही है। तो ये भी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। अच्छा भाई, मिल्क प्रोड्यूस डेली बाय गोट, एक बकरी है भाई कितना दूध देती है, तो वो है भाई कितना दूध देती है, दूध किस में नापा जाता है, लीटर्स में नापा जाता है। और लीटर में नापने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, लीटर जो अल्लाह आपका भला करे, मीटर है, लीटर हो गया आपकी लेंथ हो गई, वेट हो गया, ये सारा क्या है, ये हमारे पास मेजरमेंट्स कहलाते हैं, सही है। तो जो मिल्क, कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही है भाई एक बकरी, तो ये हमारे पास कौन सी मेजरमेंट है, ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल।
अब भाई बकरी कितना दूध दे रही, इसको हम गिनेंगे नहीं, इसको हम नापेंगे, सही है, लीटर्स में। अच्छा भाई द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब, एक बल्ब की लाइफ टाइम कितनी है, तो इसको भी हम गिन नहीं सकते, जाहिर सी बात है इसको हम मेजर करेंगे कि भाई जितनी देर चलेगा उसकी लाइफ टाइम है, तो ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, सही है। तो पांच स्टेटमेंट्स थी, इसमें से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल बताना था। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रू फॉल्स, दो ट्रू फॉल्स है भाई। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर मंथ इन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, भाई एक रोड पे एक महीने में रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, फिर से नंबर आ गया। नंबर का मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल, और यहाँ पे भी कह रहे हैं भाई डिस्क्रीट, मतलब ये हमारे पास कौन सा है, ट्रू है। अब यहाँ पे देखो नंबर है लेकिन साथ में कंटिन्यूस लिखा है, बस मैंने पहले से ही पहचान लिया कि भाई फॉल्स है ये, फिर भी देख लेते हैं कि भाई द नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, एक स्कूल में कितने टीचर है, इसको हम गिनेंगे या नापेंगे, सही है। तो इसके जाहिर सी बात है इसके हमें काउंटिंग करेंगे, सही है। तो प्रैक्टिस करते रहें इसकी और इन डेफिनेशंस को याद करें, बेसिक डेफिनेशन है, चैप्टर की शुरुआत है, सही है। अब चैप्टर का बेसिक ही पक्का नहीं होगा तो फिर आगे चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।